रुकनुद्दीन की माँ उसके साथ हर साजिश में शामिल थी। वह खुद शासक नहीं बन पाई, लेकिन उसने फिरोज को उसके कहने पर कार्रवाई करने के लिए कहा। माँ और बेटे दोनों ने क्रूरता के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। साथ में उन्होंने रजिया को भी मारने की कोशिश की, क्योंकि वह रजिया के स्थान पर शासन कर रहा था, जबकि इल्तुतमिश ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित भी नहीं किया था। शुक्रवार के दिन नमाज के बाद मस्जिद में नमाज खत्म होने के बाद सभी को बताया कि उसने उसे कैसे सताया, और सब कुछ जानने के बाद आम जनता रजिया के पक्ष में आ गई और फिर वे लोग रजिया को ही अपना शासक मानने लगे। शासक बनते ही रजिया ने अपनी माँ और भाई को बंदी बना लिया। इसके अलावा 19 नवंबर 1236 को फिरोज की मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि फिरोज की मृत्यु नहीं थी, बल्कि रजिया ने उन्हें मार डाला था और उन्होंने रजिया की जगह ली। रुकनुद्दीन का मकबरा दिल्ली के महरौली क्षेत्र में सुल्तानगढ़ी परिसर में स्थित है। इसे 1236 ईस्वी में बनाया गया था।